मेरठ में बेखौफ अपराधी अब दिन दहाड़े हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला मेरठ के टीपी नगर थाना इलाके का है, जहां 6 से 9 हमलावरों ने मेरठ की सुभारती यूनिवर्सिटी के अधीक्षक को ईंटों से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर डाली और फरार हो गए। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी है। नाम है नवनीत। भाई साहब, जो मैंने देखा यहाँ पे एक मोटरसाइकिल वाला आया, पीछे से 3 मोटरसाइकिल वाले आए, उन्होंने पकड़ा उसे, यहाँ पे आके देखा और उसे यहाँ दाब लिया, उसका हेलमेट उतारा और ईंट ठाकर उसके सिर में ईंट मारनी शुरू कर दी। जब तक ईंट मारी, जब तक उसकी खोपड़ी का भेजा गया, जब वो बाहर नहीं निकल गया, वो हाथ में तमंचा लिए हुए यहाँ पे लहरा रहे थे। दो मारे थे और सब खड़े हुए थे यहाँ पे। कितने लोगों के हाथ में तमंचे? एक के, एक के हाथ में तमंचे। पाँच मिनट, डेढ़ मिनट में ये काम निपटा दिया उन्होंने। किस उम्र के लग रहे थे वो लोग? 20-22 साल के लड़के थे सारे। हाँ, सारे लड़के थे। और भाई सारे लड़के थे, इस बात को से हम कह नहीं सकते, लेकिन जो उनकी मोटरसाइकिल थी उसकी मोटरसाइकिल पे भी नंबर नहीं थे, ना आगे ना पीछे, यानी नेम प्लेट नहीं थी, मोटरसाइकिल तो पुरानी थी। हाँ, ना कुछ नहीं कह रहे थे वे, कुछ नहीं कहते वे, ऐसे भग गए जी। हाँ, सीधे रोड से। वहाँ पर जी चोपले पर है यहाँ से, चोपला ज़्यादा 100 मीटर, 500 मीटर होगा, 500 मीटर। पीछा करते हुए आ रहे थे वो लोग? भाई ये मैंने नहीं देखा जी, पहले से खड़े हुए थे ना। ना वो सब साथ ही आए जी पीछे। जब ये घटना हो रही थी तो यहाँ पे कुछ लोग तमाशबीन बने रहे और उसको बचाने का प्रयास भी नहीं? भाई साहब, वो हाथ में तमंचा लिए हुए थे तमाशगीर के लिए, तो यहाँ पे कम से कम 50 आदमी थे, 50 आदमी थे यहाँ पे कम से कम। डेढ़ संजय गौतम नामक कर्मचारी जो कार्यालय अधीक्षक के पद पर साइंस फैकल्टी में तैनात हैं, वो जब सुभारती यूनिवर्सिटी से वापस आ रहे थे तो टीपी नगर थाना क्षेत्र में एक स्थान पर पीछे से बाइक सवार 3 बाइकों पर लड़के थे, लड़के जैसे लग रहे हैं, जो आए इनको पहले पैर से मारे जिससे गिर गए, गिरने के बाद इनके सर पर प्रहार किए ईंट से, वहीं जो पास में पड़े हुए थे। इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, बाद में इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इसमें CCTV फुटेज वगैरह निकाले जा रहे हैं, सुभारती से भी इसमें कई चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मिली हुई हैं और जल्दी ही घटना में सम्मिलित लोगों की जानकारी करके उनके खिलाफ आवश्यक विधिक और कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि ये रोड पे घटना घटी है तो इसमें अन्य सेक्शन जो भी बनेंगे IPC के, उसके तहत इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रथम दृष्टया हत्या की क्या लग रही है, क्या यूनिवर्सिटी के छात्र हैं मानने वाले? अभी तक यूनिवर्सिटी से क्या मिली है? जैसा मैंने आपको बताया अभी कि यूनिवर्सिटी में भी हमारी टीम लगी हुई है, कुछ फुटेज मिले हुए हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि छात्र जैसे लग रहे हैं, लेकिन तस्दीक होने के बाद, पूरी जानकारी होने के बाद, फिर मोटिव की जानकारी करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक जैसा मैंने आपसे कहा कि अभी कोई मोटिव की जानकारी नहीं है, जिन लोगों ने घटना कारित किया उनकी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी कर रहे हैं। जब तक इन चीज़ों का जानकारी नहीं हो जाएगा, तब तक इस घटना से उस घटना क्या संबंध है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा मैंने आपको बताया, 3 बाइक पर सवार जो है युवक थे, 6 से 9 हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 3 जून को असम के जोरहाट से लापता विमान में सवार बरैया थाना क्षेत्र से वायु सेना के जवान सूरज सिंह भी शहीद हुए थे। शहीद की माता पूनम सिंह ने मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचकर मदद की गुहार लगाई, वहीं CM ने उन्हें मदद का भरोसा भी दिलाया। मेरा नाम पुनीत कुमार ठाकुर है। हाँ। मैं का रहने वाला हूँ जी। काफी गांव में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? गांव का तो दिक्कत है, सभी लोग भूखे मर रहा है, यहाँ पर कटान आ गए हैं, सभी लोग भागने के तैयार हैं, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है। यहाँ पर जैसे आपके गांव डूबने के कगार पर है, हैं, तो क्या यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी नहीं आपके यहाँ है? कोई नहीं आया यहाँ। कितनी आबादी होगी यहाँ पर? यहाँ पर 12-17 हज़ार होगी जी। और अब तक क्या किसी तबाह हुआ है?
ये सारा खेत लग गए, घर द्वार ढाने तो है। गांव से बहुत लोग बहुत लोग भाग चुके हैं, हम भी भागने के तैयार में है। वो कहाँ जाए कहाँ ना जाए दिमागे नहीं काम कर रहा है। बताइए। हमारा नाम दयाशंकर यादव है। हाँ दयाशंकर जी, आप इस गांव के रहने वाले हैं। हाँ जी। और आपका गांव जो है बाढ़ क्षेत्र में आता है। हाँ जी। और पानी आपके गांव तक आ गया है। हाँ जी। तो इसके संदर्भ में आप प्रशासन और जिला प्रशासन को क्या सूचना देना चाहेंगे? हम जिला प्रशासन को सूचना देना चाहते हैं कि जैसे इलेक्शन आता है तो सभी आदमी आ जाते हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे गाँव पूरा ही देखिए पानी के अंदर में जल हुआ है। हमारे पीछे कटान चल रहा है, हमारे घर के पास कटान आ गया है। हम लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं भागने के लिए। सरकार का कोई ध्यान नहीं, सरकार का कोई ध्यान हमारे ऊपर नहीं है। आपका गांव जो है बिहार राज्य उत्तर प्रदेश राज्य दोनों के बॉर्डर पे आता है। हाँ जी। तो आपको लाभ भी दोनों राज्य से मिलता होगा? नहीं, हमारे यूपी सरकार से ही मिलता है, बिहार से नहीं मिलता है कुछ। तो आप यूपी सरकार से किस तरह संतुष्ट है या असंतुष्ट है, कुछ बताएंगे? वो बात है जैसे कि हमारे गाँव में पूरा ये हमारे क्षेत्र में पूरा कटान चल रहा है, इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी है। मेरा नाम अनिल कुमार चौधरी हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये यूपी गवर्नमेंट को अगर कैपेसिटी नहीं है इस गांव को बचाने के लिए, इस गांव को बिहार सरकार को दे दिया जाए। कितने मैं जब से छोटा हूँ तब से देख रहा हूँ कि बिजली आएगी रोड बनेगा, बिजली आएगी रोड बनेगा, करते करते मेरा गाँव भी अब ढहने कगार पर है, ढह रहा है। कुछ लोग यहाँ से पलायन कर चुके। क्या आपके गाँव में कोई सुविधा नहीं है? सुविधा क्या है? बिजली है नहीं, रोड है नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ है ही नहीं इस गांव में। अगर सरकार को कैपेसिटी नहीं तो इसको बिहार में सौंप दीजिए। बिहार में बिजली है, हर गांव में बिजली पहुंच चुका है, यहां पे बिजली का कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई संसाधन ही नहीं है यहां। कितनी आबादी होगी यहां की? आबादी यहां पे लगभग 20,000 के आसपास होगी जी। कितने लोग भाग चुके हैं अभी? अभी तो कुछ लोग इधर से प्लान कर चुके हैं, मतलब 25% लोग यहाँ से निकल चुके हैं जी। अब क्या इस दौरान कोई उच्च अधिकारी, क्या जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आया? कोई यहाँ पे देखने तक नहीं आता है यहाँ? क्या आपके क्षेत्र के जो सोनर सिंह बेरिया विधायक को उस समय आएंगे, लोग वादा करेंगे, उसके बाद देखने तक नहीं आएंगे गांव की स्थिति क्या है नहीं है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है, कुछ नहीं कहेंगे। चलिए बंद। मेरा नाम बिहारी कुमार चौधरी है, नौरंगा का निवासी हूँ, बलिया जिले में पड़ता है। बलिया जिले के बरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत इतना बड़ा कटान हो चुका है, इतना बड़ा सैलाब आ चुका है, तो हम आपसे जानना चाहते हैं किस तरह की कितनी कठिनाई आती है आपको इधर से आने जाने में? कठिनाई की तो बातें छोड़िए, इतना परेशानी है कि सुबह एक मिनट का काम लेकर आते हैं तो पूरा सारा दिन लग जाता है इस पर से उस पर आने जाने में। तो क्या सरकार इसको रोकने के लिए कुछ पहल कर रही है? अभी तक कुछ नहीं की है। अभी तो कुछ नहीं हुआ है? क्या चाहते हैं अभी आप बताइए? हम चाहते हैं कि इस नौरंगा के सामने एक पुल बन जाए। किस तरह का कटान होता है, कैसे कटान होता है, कुछ हमको बताएंगे क्या होता है, क्या दिक्कतें आती हैं? कटान होता है और कटान के बारे में कुछ यहाँ पर कुछ उपाय नहीं हो पाता। और यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं इधर से उधर जाने के लिए उनका क्या कहना होता है इस बारे में? इस बारे में लोग प्रत्येक साल मांगते हैं सहायता मांगते हैं और कोई सुनता नहीं। ये वीडियो बने भाई थोड़ा। केंद्र और प्रदेश सरकार भले ही विकास को लेकर गंभीर हो लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर अभी भी नहीं दिख रहा। हम बात कर रहे हैं सिद्धार्थनगर जिले के विकास खंड मिठवल के ग्राम सभा सेमराहनी की, जहां पात्रों को आवास न देकर अपात्रों को आवास दिया गया, जबकि विकास खंड मिठवल के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1,191 आवास आवंटित किए गए। कुल आवासों की यदि ठीक तरीके से जांच की जाए तो पता नहीं कितने लोग अपात्र मिलेंगे और पात्रों को इस योजना से वंचित किया गया। का नाम क्या है, कितने दिन से इस मकान में है छप्पर के आप? हमारे तो सास ससुर जब से है ऐसे पुराना घर, जब से पड़को है घर और तो बने नहीं हमारा, 10 साल से हमारे देखा थी जब से वैसी छे पुराना। तो क्या एक शिकायत आपके सरकार आवास देती है तो क्या आपके आवास ना मिला अभी तक? बहुत से जनों आए रही, सबको बोले रही मगर और लोग ठीक है बोली, तब कौन कोशिश करे नहीं, कौन बोले नहीं हमारे को जैसा का वैसी छे। बरसात के समय में आप कैसे रहती हैं इस घर में? रहते है भगवान के कृपा से, अल्लाह ताला बचाता है, रहते है का कर। बारिश वरिश होती है वैसे एकदम ही निचको लेको गई मगर कि उसकी कोशिश नहीं करे हो लगा। पांच पांच चार चार बच्चे है हमारे, 7-8 बच्चे बच्चों को लेको ऐसे गुजारा करा थी हमारे, कौन भी
देखभाल नहीं करने वाले हैं कौन भी घर की, हमारा घर की ऐसी हालत। आपका नाम क्या है और कहाँ रहने वाली है? सबरहानी के। ये बताइए आपका आवास अभी तक क्यों नहीं बना? नहीं बना अभी। इसकी शिकायत आपने किसी से की? बहुत कही गया रहा ना जब बना। किससे किससे की? अब आए रहे ऐसे आवत रहे अपना जोन है गंगा में, तब तो दिखाई कि भैया हमारो ना आई है घर और तो हमारो बनक चाहिए। तो कहो कहीं ठीक है तब तो तक जब आईबे नहीं की है। कई साल से बाटू छपरा मकान में? अरे कही से हम पक्का मकान नहीं है। नहीं पक्का हमारे नहीं है। का गांव में ऐसा लोग हैं जो पक्का मकान मिला रहा हो और बन गया हो? बना है जे कहते कहा पक्का छनियर रहा रहा बन गया भाई जे का आवा। मतलब ऐसा है कि जेकर पक्का रहा हो तेहु पाए गए है? हाँ पाए गए है, अभी इतना तो नहीं मालूम है जेके पक्का रहा। सेम रहना सेम रहनी, वहां पे पात्रों को आवास ना मिल के अपात्रों को मिल गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, यहाँ मिठवल का जो आप प्रकरण बता रहे हैं आप लोगों के द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है और उसमें दो तीन लोग इस तरीके के आप लोगों ने बताए भी हैं जिसमें जो कि पात्र थे जिनको मिलना चाहिए था। इस प्रकरण की हम जांच करा लेंगे कि पात्रता के लिए सेक्स सूची में क्या उनका नाम है और यदि नहीं भी है तो क्या उनको छूटे हुए लाभार्थियों के सर्वे में ले लिया गया है। निश्चित तौर से इन दो में से किसी एक सूची में उनका नाम जरूर ले लिया जाएगा और यदि वे पात्र थे और उनको आवास अभी तक नहीं उपलब्ध कराया गया तो इस विषय पर जांच होगी। ग्वालियर मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन क्षेत्रीय समिति ग्वालियर एवं चंबल द्वारा अभियंता दिवस 15 सितंबर को भारत रत्न सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरय जी के 139वीं जयंती के अवसर पर कृषि महाविद्यालय के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। क्या नाम है तुम्हारा? तहसीलदार सिंह तोमर। आज के भूख हड़ताल बैठो, क्या मांग लेके बैठे? भूख हड़ताल पे बैठे हैं हम, नियत वेतन मान की मांग है, जबकि शासन में सारे डिपार्टमेंट में हो गई है, ये कृषि विश्वविद्यालय राजमाता बिजरा सिंधिया में यहाँ मांग नहीं हुई है तो हम सारे लोग बैठ गए और दो लोग हमारे भूख हड़ताल पे बैठे। कितने लोग हैं बैठे? यहाँ बैठे 55 लोग हैं। उनको वेतन नहीं मिला? नहीं मिला। कितने महीनों? वेतन तो मिल रहा है 20 दिन का, कहीं 22 दिन का वेतन दे रहा है। क्या है नियत वेतन मान? जो जो शासन दो कलेक्टरेट शासन का वो है 2716 का, जो सभी डिपार्टमेंट में हॉर्टिकल्चर में और नियत मतलब सब विभाग में हो गया है, वो हमारा नहीं हुआ। कितने हड़ताल पे बैठे? ये हम 2 तारीख से करी थी और 11 तारीख से हम भूख हड़ताल पे चले। कितने जने बैठे? भूख हड़ताल पे दो लोग बैठे। नाम है उनका? एक मुकुंदी जाटव और सरजी भाई थी वो राम कुमार भाई, और फिर दूसरी हमने चेंज करी तो हमारे दो साथी हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी तक शासन की कोई सुनवाई नहीं? अभी तक कोई सुनवाई नहीं। मांग बहुत पहले से चली आ रही है, कितना समय हो गया? बहुत पहले से आ रही है, कई बार हड़ताल हम कर चुके हैं और इन जो मौका कह देते हैं और फिर कुछ नहीं करते। अभी सर 2 तारीख से चली आ रही है। रोल हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या 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 मांग लेके बैठी है? पैसा ही नहीं मिल रहा है, शासन वो दे रहा हो कि हम देता ही नहीं है। तो कितने महीने से दिया? हमें पैसा तो मिल रहा है, वो पैसा ना मिलते रहे कि ये रेट बढ़े रोड जा रहे थे, हम दे रहे हैं कमाई बच्चे भूखे मर रहे हैं, वो भी इतना को हमें काम दे रहे हैं, महीना भर काम कराते वो भी इतना को पैसा काम में कितनी दे देते काम कितनी देते काम 10 ना दे देते काम 15 ना दे देते। कितनी महिलाएं काम? महिलाएं कितनी हैं? 25 महिलाएं। बहराइच ग्राम पंचायत परसपुर नौशहरा उमारिया रायपुर कोडरी आदि गांवों के लोगों ने छुट्टा जानवरों से तंग आकर उन्हें विद्यालय में घेर कर बंद कर दिया था। तब एसडीएम महसी और तहसीलदार ने कहा था कि वे जल्दी आश्रम बनवाएंगे लेकिन अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ, इससे ग्रामीण काफी नाराज दिख रहे हैं। इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से भी कर चुके हैं ग्रामीण, लेकिन कोई भी अधिकारी इस बात को संज्ञान में नहीं ले रहा, जिससे ग्रामीण लोगों को खासा परेशानी हो रही है। विकासखंड चमनोहा के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलहीपुर में सफाई अभियान चलाकर जनता को जागरूक करने का संदेश दिया गया और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में गांव-गांव में जाकर सभी कार्यकर्ताओं को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष महेश ओम मिश्रा, वरिष्ठ कार्यकर्ता भवानी सिंह ने झाड़ू लगाकर जनता को जागरूक किया।
लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक ट्रक और एम्बुलेंस की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार सरदार शहर से जयपुर जा रही एम्बुलेंस आगे चल रहे ट्रक से जा टकराई, जिससे एम्बुलेंस पर सवार जालू राम व फूलचंद की मौके पर ही मौत हो गई एवं उनके भाई को घायल अवस्था में जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया है। दोनों मृतक सरदार शहर निवासी के थे। एक बार फूलचंद नाम का व्यक्ति था, वो सीएससी सदासर में भर्ती हुआ था, जिसको जयपुर रेफर करने पर एम्बुलेंस से जयपुर जा रहे थे। अलपुरा के पास पुलिस थाना लक्ष्मण के अंतर्गत आगे चल रहे ट्रोले के टकराने पर जालू राम व फूलचंद की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसका एक भाई था, उसको सीकर रेफर किया, सीकर से जयपुर, और पोस्टमार्टम डेड बॉडी का करा जाकर पार्षद को सुपुर्द कर दिया। आपका नाम? शुभकर्ण नाम।